हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ शिखा। दोस्तों, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक हाल में ही फिल्म आई जिसका नाम कागज था। इस पूरी फिल्म में दर्शाया गया था कि एक आदमी को कागजों में खुद को जिंदा साबित करने के लिए किस तरह से जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत है। भोला सिंह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के निवासी है और सिटी ब्लॉक में रहते हैं। वो पिछले 15 साल से खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों की चौखट पर चक्कर काटते काटते थक चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वहीं अब वो एक तख्ती लेकर बैठे हैं जिस पर लिखा है, साहब मैं जिंदा हूँ, आदमी हूँ, भूत नहीं। वहीं मीडिया कर्मियों ने जब भोला से इस तख्ती के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पिता की मौत के बाद हम दो भाइयों में जमीन का बंटवारा हुआ और वो सरकारी कागज में दर्ज हो गई थी। कुछ दिनों बाद भाई ने लेखापाल और कानूनगो के साथ मिलकर उनका नाम खनौती से हटवाया और मृत घोषित कर दिया। जानकारी होने पर हम पिछले 15 साल से अपने को कागज पर जीवित साबित करने के लिए अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है चाचा आपका? भोला। ये बताइए आप कहाँ पे आए हुए, क्यों बैठे हैं? बैठे साहब, अब हम आए थे तो कम एकदम आए थे क्या करे। हाँ। और हमारे बाप के मरने के बाद दो जने के नाव चढ़ के बाहर दोनों भाई के। हाँ। लेकिन एक बाद हम के मुँह आई का उनके नाव कई जन जमे नेपाल कानी को। तो क्या खतौनी में आप मृतक हैं क्या? हाँ हाँ। क्या मृतक हैं, मतलब मर गया है। तो आप यहाँ पे आए क्या कहने के लिए, कि हम जिंदा हैं क्या कहने के लिए? हाँ सर, हम जिंदा है। अच्छा, जिंदा है। हाँ। अधिकारियों से कहे आप बात किए हैं, क्या कहे अधिकारी? अधिकारी से बहुत कहा लेकिन कोई सुनते नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही। 15 साल से हम दौड़ रहा है लस्सा कुछ। 15 साल से मृत घोषित है। हाँ हाँ। मिर्जापुर के SDS सदर गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि ये मामला सामने आया है, जांच चल रही है। पूरी जांच के बाद जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कल शाम को ये प्रकरण संज्ञान में आया है। इसके संबंध में अभी फिलहाल हम लोग जांच करा रहे हैं। जो उनकी विशेष रूप से बात थी वो ग्राम अमायू की जमीन को लेकर के थी। हम लोगों ने गांव में आज टीम को भेजा था तो वहां पे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर ये पता चला कि वो लालगंज के रामपुर गांव के रहने वाले हैं, वहां भी हम लोगों ने टीम भेजी है। अभी उनसे मुलाकात हुई नहीं है। मुलाकात करके उनके पूरे प्रकरण को जानेंगे कि क्या है उनकी समस्या। वैसे हम लोगों ने जो अपने स्तर पर जाँच कराई है उसमें ये पता चला है कि इनके ज़मीन के संबंध में पहले एक वरासत हुई थी, लेकिन बाद में फिर तहसीलदार न्याय के न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था और उसमें निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत माननीय राजस्व परिषद में फिर निगरानी योजित हुई, वहाँ से निर्णय होकर के फिर से तहसीलदार न्याय के न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधिसम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम लोग संपादित कराएंगे। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।